अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान एकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजीियर। दोस्तों आज हम विलियम ब्लेक की एक और मास्टरपीस पोयम द टाइगर इसके अबाउट स्टडी करेंगे। दोस्तों द टाइगर जो लिखी थी वो विलियम ब्लेक ने लिखी थी, साथ ही साथ इसकी जेनर की बात करें तो ये पोएट्री कलेक्शन थी। इसकी थीम की बात करें तो रिलीजन, अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ एंड द पावर ऑफ क्रिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। साथ ही साथ इसकी पब्लिश की बात 1794 सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर पब्लिश हुई थी। इसकी एज की बात करें तो रोमांटिक सिज्म एज से बिलोंग करती है। साथ ही साथ इसकी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि ये 6 स्टैंजास पे पोयम डिपेंड करती है और ईच स्टैंजास 4 लाइन है। इस तरह 24 लाइंस के ऊपर ये पोयम बनती है। साथ ही साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट के अंदर आपको एक चीज और बताता चलूं कि द टाइगर जो पोयम है वो सिस्टर पोयम है द लैम्ब की। दोस्तों इस पोयम की ट्रांसलेशन से पहले इस पोयम के अबाउट आपको बताना चलूं कि इस पोयम में शायर कहता है कि वो कौन सी अजीम हस्ती है और वो कौन है जिसने इस टाइगर को बनाया है। यानी कि वो खुदा की बात करता है और खुदा की तारीफ करते हुए बताता है कि किस तरह इतनी अहम चीज यानी कि टाइगर को इसने बनाया है और किस किस तरह से इसने खुदा की तारीफ की है इस पोयम के अंदर। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट्स ऑफ द नाइट, What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? ए टाइगर, तुम कितने ज्यादा चमक रहे हो रात के वक्त जंगल में। कौन से खुदा के लाफानी हाथों ने और आंखों ने तुम्हारा नक्शा बनाया होगा और तुम्हारी बनावट की होगी। In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare seize the fire? किन दूर दराज गहराइयों से और दूर दराज आसमानों से तुम्हारी इन पतली आंखों में आग जैसी चमक लाई गई है और कौन से परों पर परवास कर वो ये आग लेकर आया होगा और किन हाथों ने तुम्हें बनाने के लिए ये आग को थामा होगा। एंड व्हाट शोल्डर व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ थाई हार्ट एंड व्हेन थाई हार्ट बिगन टू बीट व्हाट ड्रेड हैंड व्हाट ड्रेड फीट किन कंधों पर सवार होकर वो इस आग को लाया होगा और ये कैसा फन है जिसने बल दे दिया तुम्हारे दिल के जोड़ों को और जब तुम्हारे दिल ने धड़कना शुरू कर दिया वो कितने खौफजदा हाथ होंगे और वो कितने खौफजदा पैर होंगे। What the hammer? What the chain? In what furnace was thy brain? What the anvil? What dread grasp dare its deadly terrors clasp? किस हथौड़े किस जंजीर को इस्तेमाल किया गया होगा तुम्हें बनाने के लिए और तुम्हारे दिमाग को किस भट्टी में जलाकर पिघलाया गया होगा या बनाया गया होगा और किस चीज पर रखकर तुम्हारे जिस्म का सांचा बनाकर इसमें ढाला गया होगा और तुम्हारे खौफनाक और तेज पंजों को पकड़ने की किसने कोशिश की होगी। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears, did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? जब सितारों ने अपने नेजे फेंक दिए और जब आंसुओं से पूरा आसमान को भिगो दिया और वो अपने काम को देखकर मुस्कुराया होगा जब इसने तुम्हें बनाया होगा। जिसने इस भेड़ के बच्चे को बनाया है क्या इसी ने तुम्हें भी बनाया है? Tiger, tiger burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye dare frame thy fearful symmetry? Hey tiger, tum kitne zyada chamak rahe ho raat ke waqt jangal mein. Kaun se khuda ke lafani haathon ne aur aankhon ne tumhara naksha banaya hoga aur tumhari banavat ki hogi. To dosto ye is poem ki translation thi. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान एकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजीियर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।